हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th एक्सरसाइज 5.4। एक्सरसाइज 5.4 में आपके पास क्या है? आपके पास है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है ई की पावर में। जैसे हमारे पास ये कैसा है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो हमारे पास इसमें आएगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन को डिफरेंशिएट करना। कैसे करते हैं? देखो, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग। इनको हम डिफरेंशिएट कैसे करते हैं? कोई भी हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे? एक बार तो हम जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है उसको एज इट इज रखेंगे, मल्टीप्लाई, फिर जो हमारे पास पावर है पावर का डेरिवेटिव करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास वो क्या होगा? एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव। जैसे हमारे पास है e की पावर 2x का डेरिवेटिव। e की पावर 2x का डेरिवेटिव एक बार तो हम एज इट इज रखेंगे, e की पावर 2x मल्टीप्लाई, फिर 2x का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास से? 2। इसको हम फिर क्या लिख देंगे? 2e की पावर 2x। नेक्स्ट है हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ ए की पावर एक्स। ए हमारे पास कोई भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट की पावर है वेरिएबल। यहाँ पे हमारे पास क्या है? कांस्टेंट की पावर है वेरिएबल। और कैसे करेंगे डेरिवेटिव? एक बार तो हम एज इट इज रखेंगे, ए की पावर एक्स है, लॉग ऑफ है, उसके बाद लगाएंगे लॉग ऑफ बेस। बेस हमारे पास क्या है? ए। तो क्या लिखेंगे? लॉग ऑफ ए। अगर यहाँ पे 2 है तो लॉग ऑफ 2 लिखेंगे, 3 है तो लॉग ऑफ 3। डेरिवेटिव ऑफ एक्स, डेरिवेटिव ऑफ इट्स पावर और उसकी पावर का डेरिवेटिव। फंक्शन एज इट इज रखेंगे, फिर लॉग ऑफ बेस लिखेंगे, मल्टीप्लाई में जो पावर है उसका डेरिवेटिव। नेक्स्ट है हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स है। रूट एक्स हमारे पास क्या? पीछे भी पढ़ा है आपने, रूट एक्स एक्स की पावर 1/2 होता है। इसका जब हम डेरिवेटिव करते हैं तो डायरेक्ट क्या लिख लेंगे? 1/2 रूट एक्स। नेक्स्ट है डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स। लॉग एक्स का डेरिवेटिव, लॉग एक्स का डेरिवेटिव होता है हमारे पास 1/x। जो भी हमारे पास एंगल है वो बाई में चला जाएगा, मल्टीप्लाई एंगल है एक्स, एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं एक्सरसाइज में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ई की पावर एक्स बाई साइन एक्स। हमने सबसे पहले क्या किया? लेट वाई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स बाई साइन एक्स। अब देखो, ये हमारे पास ई की पावर बाई साइन एक्स है तो यू बाई वी की फॉर्म होगी हमारे पास, और यू बाई वी की फॉर्म का जब हम डेरिवेटिव करते हैं तो कैसे करते हैं? वी स्केयर वी एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ यू माइनस यू एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ वी। ये हमारे पास क्या है? इसका फॉर्मूला देखो, डी वाई वाई का क्या आ जाएगा? डी वाई बाई डी एक्स। अब साइन एक्स का होल स्केयर हो जाएगा, साइन एक्स एज इट इज, और यू का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव माइनस ई के एक्स एज इट इज और डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स। साइन एक्स एज इट इज, ई के एक्स का डेरिवेटिव भी क्या आएगा? ई के एक्स आएगा, और एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा यहाँ? 1 माइनस ई के एक्स एज इट इज, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स। अब दोनों में क्या है? ई के एक्स, तो हमने दोनों में से क्या ले लिया? ई के एक्स कॉमन ले लिया। यहाँ क्या बचेगा? साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्क्वेयर एक्स। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। ई की पावर साइन इनवर्स एक्स। लेट वाई इज इक्वल टू, जो हमें फंक्शन दे रखा है वाई के इक्वल रख लिया, वाई इज इक्वल टू ई की पावर साइन इनवर्स एक्स। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। विद रिस्पेक्ट टू एक्स हम डेरिवेटिव करेंगे, वाई का डेरिवेटिव क्या आएगा? डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, डेरिवेटिव करेंगे हम ई की पावर साइन इनवर्स एक्स का। कैसे? सबसे पहले हमारे पास जो ई की पावर में दिया हुआ उसको एज इट इज लिखते हैं हम। एक बार तो हमने एज इट इज लिखा, ई की पावर साइन इनवर्स एक्स है, मल्टीप्लाई, फिर जो पावर है उसका डेरिवेटिव करते हैं, साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? 1/√1 माइनस एक्स स्क्वेयर मल्टीप्लाई एक्स है हमारे पास, इसका एंगल एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 1। अब सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्या है? ई की पावर साइन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाई रूट वन माइनस एक्स स्क्वेयर। ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। ई की पावर एक्स क्यूब। लेट वाई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स क्यूब। अब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स से रिस्पेक्ट के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, वाई का क्या आएगा? डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई की एक्स क्यूब। एक बार डेरिवेटिव करेंगे, एक बार ई की एक्स क्यूब एज इट इज रहेगा, फिर डेरिवेटिव आ जाएगा किसका? एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? ई की पावर एक्स क्यूब एज इट इज मल्टीप्लाई एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा? पावर को आगे लेके जाएंगे, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव करेंगे, 3 आगे आ जाएगा, एक्स की पावर 3 माइनस 1 हो जाएगी, तो क्या आ जाएगा? 3x, और 3 में से 1 जाएगा 2। क्या आया हमारे पास? 3x² इंटू ई की पावर एक्स क्यूब।
नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। साइन इंटू साइन ब्रैकेट टेन इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स। अब साइन का एंगल है आपके पास ये पूरा का पूरा, और फिर टेन इनवर्स का एंगल क्या है, ई की पावर माइनस एक्स। लेट वाई इज इक्वल टू साइन टेन इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई का आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। अब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे। कैसे करेंगे डेरिवेटिव? साइन का हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस एंगल एज इट इज रहेगा, टेन इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स मल्टीप्लाई, फिर हम टेन का डेरिवेटिव करते हैं, डेरिवेटिव ऑफ टेन एक्स। टेन एक्स का हमारे पास टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, वन बाई वन प्लस एक्स स्केयर। ये डेरिवेटिव आता है तो मल्टीप्लाई वन बाई वन प्लस एक्स स्केयर। एक्स की जगह हमारे पास क्या है एंगल, ई की पावर माइनस एक्स, तो उसका स्केयर लिख देंगे मल्टीप्लाई। अब हमारे पास जो भी एंगल है ई की पावर माइनस एक्स उसका डेरिवेटिव करेंगे। कैसे, देखो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस टेन इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई वन प्लस पावर से पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्या आ जाएगी e की पावर माइनस टू एक्स मल्टीप्लाई। e की पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव करेंगे एक बार एज इट इज आ जाएगा, फिर माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा माइनस वन, तो इसीलिए हमने क्या लिखा माइनस। अब हम इसको सिंपल करके लिखेंगे, माइनस e की पावर माइनस एक्स कोस टेन इनवर्स e की पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई वन प्लस e की पावर माइनस टू एक्स। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। लॉग ऑफ कॉस ई की पावर एक्स। लेट वाई इज इक्वल टू, जो हमें फंक्शन दे रखा है वाई के इक्वल रखेंगे, वाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ कॉस ई की पावर एक्स, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डेरिवेटिव करेंगे वाई का क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स, और इसका डेरिवेटिव करेंगे। कैसे, लॉग ऑफ है, लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है, वन बाई में जाता है हमारे पास एंगल, लॉग है एंगल क्या है हमारे पास कॉस ई की पावर एक्स, तो इसका करेंगे क्या आ जाएगा वन बाई कॉस ई की पावर एक्स मल्टीप्लाई, फिर कॉस ई की एक्स का डेरिवेटिव करेंगे, कॉस का क्या आएगा माइनस साइन ई की पावर एक्स मल्टीप्लाई। जब ई की पावर एक्स हमारे पास क्या है, ये एक एंगल है, एंगल का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा ई की पावर एक्स माइनस साइन, ये भी हमारे पास e की x है, ये भी एंगल दोनों का सेम है, तो साइन बाई कोस क्या होता है टेन, टेन e की पावर x इंटू e की पावर x। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। e की पावर x प्लस e की पावर एक्स स्क्वेयर प्लस ई एक्स क्यूब अप टू e की पावर x की 5। अब जो भी हमें फंक्शन दे रखा है y के इक्वल रख लेंगे, y इज इक्वल टू e की पावर x प्लस e की पावर एक्स स्क्वेयर प्लस e की पावर एक्स क्यूब प्लस e की पावर x की 4 प्लस e की पावर x की 5। डेरिवेटिव करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, सभी का अलग अलग डेरिवेटिव करेंगे, फर्स्ट का सेकंड थर्ड सभी का अलग अलग डेरिवेटिव करेंगे। कैसे, dy वाई बाई डी एक्स, ई की x का डेरिवेटिव क्या आएगा, e की x, x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 प्लस e की पावर एक्स स्केयर, एक बार तो e की पावर एक्स स्केयर एज इट इज लिखेंगे, फिर एक्स स्केयर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2x प्लस e की पावर एक्स क्यूब एज इट इज लिखेंगे, e की एक्स क्यूब, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, पावर आगे आ जाएंगे एक पावर कम हो जाएगी 3x स्केयर, e की पावर x की 4, e x की 4 एज इट इज आ जाएगा मल्टीप्लाई x की 4 का डेरिवेटिव 4x की पावर 3 प्लस e की पावर x की 5 एज इट इज रखेंगे मल्टीप्लाई x की 5 का डेरिवेटिव 5x की पावर 4। अब हम इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे, e की पावर x प्लस 2x e की पावर x स्क्वेयर प्लस 3x स्क्वेयर e की पावर x क्यूब प्लस 4x क्यूब e की पावर x की 4 प्लस 5x की पावर 4 ex 5। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। रूट ऑफ e की पावर रूट एक्स। लेट y इज इक्वल टू, y के इक्वल मान के चले हम, फिर हम डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, y का क्या आ जाएगा dy वाई बाई डी एक्स आ जाएगा, और इसका डेरिवेटिव करेंगे क्या आएगा इसका डेरिवेटिव, रूट का डेरिवेटिव हमेशा क्या आता है, मैंने बताया था 1 बाई रूट एक्स का अगर हम डेरिवेटिव करेंगे तो वो किसके इक्वल आ जाएगा 1 बाई टू रूट एक्स। रूट एक्स का डेरिवेटिव करेंगे क्या आएगा 1 बाई टू रूट एक्स। रूट के अंदर चाहे कुछ भी हमारे पास, अगर रूट के अंदर कॉस एक्स है तो उसका भी क्या आएगा 1 बाई टू रूट कॉस एक्स, फिर उसके आगे कॉस का करेंगे माइनस साइन एक्स, लेकिन जो रूट है उसका हम करेंगे तो ऐसे आएगा सिंपली
देखो रूट है हमारे पास, रूट का डेरिवेटिव करेंगे, रूट का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, पूरा का पूरा 1/2 रूट जो भी हमारे पास फंक्शन था रूट में आ गया। फिर डेरिवेटिव करेंगे इसके अंदर जो फंक्शन वो क्या है, ई की पावर रूट एक्स इज इक्वल टू, ये हमारे पास एज इट इज़ है 1/2 रूट ई की पावर रूट एक्स मल्टीप्लाई, एक बार फंक्शन को एज इट इज़ रखेंगे मल्टीप्लाई, फिर जो पावर है रूट एक्स, रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2 रूट एक्स। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ऊपर क्या है हमारे पास ई की पावर रूट एक्स डिवाइडेड बाई 2 जो 4 ई की पावर रूट एक्स का रूट इंटू रूट एक्स। यहाँ पे हमारे पास हाफ पावर है, यहाँ इसकी 1 पावर है, तो अगर हम इससे कैंसिल करेंगे तो ऊपर कितनी बचेगी, हाफ पावर बचेगी, तो हमने लगा दिया रूट ई की पावर रूट एक्स डिवाइडेड बाई 4 रूट एक्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, लॉग ऑफ ए लॉग एक्स, लेट वाई इज इक्वल टू हमने लेके चले लॉग इंटू लॉग ऑफ ए लॉग एक्स, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डेरिवेटिव करेंगे वाई का क्या आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ है, लॉग जब हमारे पास आता है तो जो भी उसका स्पाद एंगल है उसका बाई में लेके आएंगे, इस लॉग का हमने डेरिवेटिव किया तो क्या आ जाएगा 1/ लॉग एक्स आ गया मल्टीप्लाई, फिर इस लॉग एक्स का करेंगे तो एंगल इसका क्या है एक्स, तो बाई में एक्स आ जाएगा 1/ एक्स, हम इसको लिखेंगे 1 1 जा 1 और x की और इसकी मल्टीप्लाई x लोगे x। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, कॉस एक्स बाई लॉग एक्स, अब हमारे पास u बाई v की फॉर्म है तो u बाई v का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, लेट y इज इक्वल टू कॉस एक्स बाई लॉग एक्स डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव का फॉर्मूला हमारे पास क्या है u बाई v का, v स्केयर v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v, हमारे पास v क्या है log of x का होल स्केयर, log of x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ cos x माइनस cos x एज इट इज log of डेरिवेटिव ऑफ log x, log x एज इट इज रखा cos x का डेरिवेटिव क्या आएगा माइनस sin x, बीच में हमारे पास माइनस है cos x एज इट इज और log x का डेरिवेटिव 1/x आ जाएगा। अब हमारे पास x इधर है, इधर बाई में क्या है 1, तो हम क्या करेंगे दोनों का एलसीएम x ले लेंगे, x लेंगे तो इसकी x से मल्टीप्लाई हो जाए क्या आ जाएगा माइनस x log x, माइनस को हमने आगे ले लिया एक्स लॉग एक्स साइन एक्स माइनस कोस एक्स, और जो हमने एलसीएम लिया था वो नीचे आ जाएगा एक्स लॉग ऑफ एक्स का होल स्केयर। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, कॉस लॉग ऑफ एक्स प्लस ई की पावर एक्स, अब हमारे पास कॉस का पूरा क्या दे रखा है कॉस का एंगल, तो हम क्या करेंगे लेट वाई इज इक्वल टू कॉस ऑफ लॉग एक्स प्लस ई की पावर एक्स डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई बाई डी एक्स करेंगे, देखो कोस का हमारे पास क्या आएगा माइनस साइन और एंगल एज इट इज हो जाएगा लोग एक्स प्लस ई की पावर एक्स, फिर डेरिवेटिव ऑफ एंगल, एंगल क्या है लोग एक्स प्लस ई की एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा माइनस साइन लोग एक्स प्लस ई की एक्स मल्टीप्लाई लोग एक्स का डेरिवेटिव 1/x प्लस ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ई की एक्स आ जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या लिखेंगे एज इट इज आ जाएगा माइनस साइन लोग एक्स प्लस ई की एक्स इंटू 1/x प्लस ई की पावर एक्स ब्रैकेट क्लोज्ड। ये थी हमारे पास एक्सरसाइज 5.4। ओके थैंक यू।